अखिलेश यादव ने तो चढ़ाया है, उन्होंने तो ताव दिलाया था बाबा को, यूट्यूब पे मैंने देखा था, जब तो कहा मिट्टी में मिला दूंगा मैंने। तो अब मिट्टी में मिल रहे हैं सर? अब मिट्टी में मिला रहे हैं, अच्छी बात। उत्तर प्रदेश में तो माफिया ही बनते थे नेता। अच्छा, अब माफियाओं घोषित क्या है? अब तो बाबा राज में सब बल्ले बल्ले है, निपटाए जा रहे हैं। हाँ, निपटाए जाएंगे और कितने तो अंदर हो जाएंगे। अगर मुख्यमंत्री वहाँ से कह रहा है कोई गुंडई करेगा, कोई बदतमीजी करेगा, तो हम उसको मिट्टी में मिला देंगे, ये सुनना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। पहले यूपी में क्या थी, पुलिस भी इतनी एक्टिव नहीं थी, आज की यूपी पुलिस देख लो कितनी एक्टिव है। आज की यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस से ज्यादा आगे है। क्या नाम है आपका? कनिका। कनिका जी, अभी उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के कुछ करीबियों का एनकाउंटर हो रहा है, विपक्ष कह रहा है कि जी ये तो बड़ा गलत हो रहा है, मतलब क्या लगता है? कुछ गलत नहीं हो रहा, जब उन्होंने अपराध किया था, किसी का एनकाउंटर किया था, उसमें एक पुलिस वाला भी मारा गया था, तो उन्होंने सोचा था कि मैं किसी को मार रहा हूँ, उसके घर में बेटी होगी, बहू होगी, माँ होगी, परिवार पूरा एक जुड़ा होता है, पिता का कितना वो होता है मायना, तो उन्होंने सोचा था, तो उन्होंने भी उनका घर गिरा दिया, तो क्या गलत किया? लेकिन कह रहे हैं भाई कानून से चलना चाहिए ना ऐसे। कानून से तो अपराधी सोचता है कि मैं कानून से चल रहा हूँ, तो उन्होंने भी अब एकदम तो सजा मिलेगी नहीं, इसलिए उन्होंने एनकाउंटर करना सही समझा। अच्छा। एक पुलिस वाला जो मारा गया उसकी वजह से ये भी एक कारण है। अच्छा, माफिया खत्म हो रहे हैं ये सुनना कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सही लगता है। योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा कि भाई मिट्टी में मिला देंगे हम माफियाओं को। हाँ। तो ये युवा खास करके लड़कियाँ, जो आज से अगर हम 10 साल पहले जाएं तो समाज अलग ढंग से था, समाज चीज़ें अलग ढंग से थी, अब जो है सुरक्षा का भाव जो होता है कि भाई अगर मुख्यमंत्री वहाँ से कह रहा है कोई गुंडई करेगा, कोई बदतमीजी करेगा, तो हम उसको मिट्टी में मिला देंगे, ये सुनना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। पहले यूपी में क्या थी, पुलिस भी इतनी एक्टिव नहीं थी, आज की यूपी पुलिस देख लो कितनी एक्टिव है। आज की यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस से ज़्यादा आगे है। आज लड़कियां सब कॉलेज, नोएडा में कॉलेज कितने हैं, गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, और भी जैसे वहाँ के है, कोई डर नहीं है लड़कियों के लिए इतना। पर ठीक है, कहीं कहीं अपराध हो जाते हैं, वो तो पूरे देश में है, थोड़ा बहुत तो हर जगह रहता है, चाहे दिल्ली हो, यूपी हो, हरियाणा हो, कुछ भी हो। अखिलेश यादव कह रहे हैं जी इनके साथ गलत हो रहा है, ऐसे थोड़े करना चाहिए। कुछ गलत नहीं हो रहा, अपराधियों के लिए कोई अपराध ही था ना, वो कोई आम आदमी तो नहीं था ना, कोई आम आदमी होता तो हम बोलते हाँ गलत हो रहा है, वो एक माफिया था, उसके साथ अगर किया है तो कोई गलत नहीं किया। अच्छा, कह रहे हैं योगी भाई मुख्यमंत्री ऐसे थोड़े बोलना चाहिए लोगों को, ऐसे नहीं कह सकते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को। क्यों नहीं बोले, अगर अब उनमें खौफ कैसे आएगा अगर ऐसा नहीं करेंगे तो, फिर आगे और जो लोग हैं अपराध करने से डरेंगे तो। मसला ये है कि जो कुछ हो कानून के दायरे में, कानून के दायरे में होता ना तो अच्छा लगता। ये काम तो जरूरी था, एनकाउंटर बहुत जरूरी था, क्योंकि यूपी में बिल्कुल ही जंगल राज था। हाँ। या तो मायावती के दौर में खौफ था, या तो योगी राज में खौफ है। अच्छा जी। गुंडों में खौफ होना चाहिए, गुंडों में खौफ होना चाहिए। अभी जो है अतीक अहमद नाम के एक माफिया और माननीय भी हुआ करते थे, दोनों थे, अब किसमें किसको देखा जाए वो तो एक अलग बात है, लेकिन उनके जो है करीबियों के ऊपर एनकाउंटर हो रहा है, बुलडोजर चल जा रहा है, एक पक्ष कह रहा है जी गलत हो रहा है, ऐसे थोड़े होता है। मैं बताऊं, सत्ता परिवर्तन इसलिए मैं चाहता हूं, हमेशा जो है ना 8-10 साल में सत्ता परिवर्तन होने चाहिए। अच्छा। अगर परिवर्तन नहीं होता तो अति की खबर ली नहीं जाती। एक नहीं दो नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश भरा पड़ा है माफियाओं से। अब कितने का योगी जी सफाया करेंगे? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गलत हो रहा है जी ऐसे थोड़ा। अखिलेश यादव ने तो चढ़ाया है, उन्होंने तो ताव दिलाया था बाबा को, यूट्यूब पे मैंने देखा था, जब तो कहा मिट्टी में मिला दूंगा मैंने। तो अब मिट्टी में मिल रहे हैं सर? अब मिट्टी में मिला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कानून के दायरे में कोई काम होता ना अच्छा लगता। अब कानून तो अपना उस लेवल पे है नहीं, कानून हमारे, लेकिन व्यवस्था जो है चल रही है। हाँ, कानून हमारे देश का जो है ना, रेप और मर्डर के ऊपर बहुत जरूरी कानून नया बनना चाहिए। अच्छा, तो अभी क्या कानून, डायरेक्ट एनकाउंटर वाला कानून होना चाहिए? अरे नहीं, डायरेक्ट, अब देखो जब प्रत्यक्ष प्रमाण है, वीडियो है, तो इस पे तो बड़ा अच्छा लगा। जब देख वीडियो दिखाया, बंदे दिखा रहे हैं कि हाँ इन्होंने जो है गोली मारी है, तो इनके साथ तो यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, उसमें कोई फेक वाली बात ही नहीं भाई, डायरेक्ट दिखा। उसमें से अधिकतर मुसलमान है, आप भी मुसलमान है, तो जो एक दिखा दिया जाता है भाई कि मुसलमान नेता है मुख्तार अंसारी, मुसलमान नेता है अतीक अहमद, मुसलमान के साथ गलत हो गया। मुसलमान है तो इसका मतलब बुराई को सपोर्ट करें, ऐसे ही समझाया जाता है? बुराई का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, मुसलमान का मतलब होता है मुसलमान, ईमान वाला, सच्चाई पे चलने वाला। हाँ। बुराई का दामन नहीं पकड़ेंगे, मुसलमान का मतलब ये नहीं है कि जो है बुराई का दामन पकड़ो। हाँ। तो फिर इनको कैसे नेता बना दिया जाता है, कह दिया जाता है जी ये मतलब मुसलमान को पता भी नहीं चला जी हमारे एक नेता और खड़े हो गए। अरे नहीं यार, कैसे नेता, नेता तो हम ही आप बनाते हैं। अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी, इनको कहीं ना कहीं ये तो दिखाया गया ना कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इसीलिए नेता बना दो इनको। नहीं, अब उसका क्या अंजाम क्या होगा? नेता यही होता, बुरे काम का बुरा नतीजा होता, अतीक ने भुगत लिया, बात खत्म। आगे भी ऐसे नेताओं की जरूरत है समाज को?
नहीं नहीं ऐसे समाज तो हमारा जब ही सुधरेगा जब अच्छे खासे बंदे सही साफ सुथरे, जैसे कहने चाहिए हमारे केजरीवाल के राज में कुछ यहाँ दिल्ली की छवि सही गुजर अच्छा। सही है यहाँ के नेताओं की सभी सही है, वहाँ उत्तर प्रदेश में तो माफिया ही बनते थे नेता। अच्छा अब माफियाओं का भविष्य क्या है? अब तो बाबा राज में सब बल्ले बल्ले है, निपटाए जा रहे हैं, निपटाए जाएंगे और कितने तो अंदर हो जाएंगे। अभी नरेंद्र मोदी सरकार चल रही है देश में, कैसी लगती है आपको कामकाज? नहीं हमें तो बहुत पसंद है इनका काम, बहुत ज़्यादा, मतलब एक कि आगे के फ्यूचर के बारे में काफ़ी कुछ सोच के चल रहे हैं वो लोग, है ना, तो हमें बहुत काम पसंद है इनका। अच्छा राहुल गांधी कहते हैं जी हम बेहतर हो जाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरी नॉलेज में तो नहीं है, राहुल गांधी नहीं अच्छा नहीं, भारत जोड़ो यात्रा हुई थी इतना घूमे, वो सब बकवास है, बकवास है मेरे हिसाब से। ऐसा है कि भारत छोड़ो भारत तोड़ो बात एक ही है, ये सब ना करके देश के लिए कुछ करो ना, ये दौड़ लगाना ये करना ये सब बेकार है, ये तो एक तरह से अपना मतलब वो नाम कमाने के लिए, बाकी कुछ ऐसा करके दिखाओ जो देश की पब्लिक को लगे कि हाँ देश के लिए कुछ कर रहे हैं राहुल गांधी, जैसे मोदी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मोदी? क्यों नहीं कर रहे? बहुत कुछ किया है, क्या नहीं किया उन्होंने? आज पूरे भारत को वर्ल्ड में कैसे जाना जाता है, नहीं तो पहले भी तो थे, इंडिया को कुछ नहीं समझते थे और आज इंडिया का अलग ही नाम है, अपनी छवि है, हर कोई इंडिया का नाम सम्मान से लेता है अब, खासतौर से मोदी जी का साथ में। तो और राहुल गांधी विपक्ष कहता जी महंगाई बढ़ा दी लोगों को नौकरी नहीं मिल, किस सरकार में महंगाई नहीं बढ़ी ये बताओ मुझे, किसके राज में ऐसा लगा आपको कि बहुत सस्ता हो गया या देश बहुत जनता बहुत खुश है? हर किसी के साथ रोना है, बट मोदी जी की सरकार में मैं कहती हूँ कि गरीब लोग हैं वो भूखे नहीं मरे, साफ बात है, सबको खाने को मिलता है सोने को मिलता है ना, और ज़्यादातर मैं खुद बोल रही हूँ कि जो ये महंगाई महंगाई का मुद्दा रो रहे हैं ना, तो महंगाई की किसने है ये बताइए? ये तो कहते हैं हमारे टाइम भी सब कुछ सस्ता था, मोदी आए सब महंगा, किसने बोला? हर सरकार के टाइम पे यही रोना होता था महंगाई है, वो सरकार आएगी तो सस्ती करेगी ये सरकार, पर मेरे हिसाब से तो मोदी जी की सरकार में बहुत कुछ हमको अच्छा सुनने को और करने को मिला है। ऑब्वियसली हाँ, तो जो सारे लोग इकट्ठा होके कह रहे हैं जी हरा देंगे मोदी को, वो तो अपनी अपनी सोच है, बट जो आगे का फ्यूचर सोच के चलेगा तो वो तो मैं कह रही हूँ कि मोदी जी को ही साथ देगा। अच्छा जी, पूरा दूरदर्शी सोच है, आगे अपने बच्चों के भविष्य को लेके देश के भविष्य को लेके, तो मोदी जी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, मोदी जी का साथ कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, और देश का विकास चाहते हैं तो मोदी जी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल कभी नहीं। काहे भाई उनके काम ऐसे हैं यार, युवा हो कह रहे हैं तुमको नौकरी नहीं मिल रही है, हमें नहीं चाहिए नौकरी है? नहीं चाहिए, देश का विकास ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोदी जी चाहिए बस, मोदी जी चाहिए जी, क्यों चाहिए आपको? तो अंधभक्त कह देंगे राहुल गांधी, हम हैं अंधभक्त है? हम हैं अंधभक्त है, हाँ जी। राहुल गांधी अच्छे लगते हैं? बिल्कुल नहीं। काहे? उनके उनकी बोली सुने हो आपने? आलू को सोना बनाएगा, कैसे बनाएगा? कहते मशीन लेके आएगा, कौन सी मशीन लाएगा, कौन सी देश को अमीर बनाएंगे जी? राहुल गांधी के पास अच्छा विजन है, वो तो कहते हैं मोदी जी से 10 दिन के लिए मुझे देश दे दो मैं चमका दूंगा देश को, कर देगा। केजरीवाल कहते हैं 2 दिन के लिए गृह मंत्रालय मिल जाएगा, सब सही हो जाएगा। सर क्या है जो है मोदी जी है, जब तक ने क्या किया मोदी जी ने, क्या नहीं किया? एक काम बताइए, आप ये बताइए क्या नहीं किया? वो कहते हैं आप, राहुल गांधी और विपक्ष कहता है आप जैसे युवा बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, खाने बिना मर रहे हैं, ब्याह नहीं हो रहा। हम तो नहीं मर रहे भाई, सबको रोजगार मिल रहा है, सबको मिल रहा है, मेहनत करो, मेहनत करोगे आपको ही मिलेगा। अच्छा जी, राहुल गांधी को काहे नहीं मिल रहा? राहुल गांधी पूरे देश में घूमने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं लोग बेरोजगार हैं, अविवाहित हैं, खाने बिना मर रहे। मेरे पास भेजो राहुल गांधी को, मैं रोजगार दिलाऊंगा उसको। अच्छा जी जी, और भारत जोड़ो यात्रा जो घूम घूम के करी उन्होंने, कहा जी भारत टूट रहा है, मोदी ने भारत तोड़ दिया है, क्या कितने करोड़ों खर्च कर दिए उसमें? गरीबों को दे देता, वही रोजगार दे देता। क्या सही कर रहे हैं? बिल्कुल, कैसे सही कर रहे हैं? क्यों अखिलेश यादव कह रहे हैं जी गोली मार देना सही थोड़े होता है? क्यों जब किसी के घर वो करेंगे तो उनको वो करेंगे, पूजेंगे? बिल्कुल मार देना चाहिए ऐसे, उनको मार देना चाहिए, बिल्कुल मार देना चाहिए, मार देना चाहिए, मार देना चाहिए। काहे मार देना चाहिए? मारेगा कितने आदमी को, लेडीज को, मुसलमान घर उजाड़ दिया है। तो अभी तो बम वम मारे थे वो लोग, उनको गोली मारा जा रहा था, अखिलेश तो कह रहे गलत हो रहा है। वो उसका पार्टी का आदमी है ना, उसका पार्टी का आदमी है, बचा रहा है उसको योगी जी, एक एक चुन करके लेगा हिसाब। अच्छा हाँ, एक एक चुन का बदमाश को लेगा हिसाब।
हाँ देखना मट्टी में सबको मिलाएगा। ये तो कह रहे गुंडे ही कर रहे हैं योगी इतना। नहीं नहीं ये सब बात नहीं है, मट्टी में सबको मिलाएगा। अच्छा जी हाँ देख लो। अतीक अहमद के करीबी को भी गोली मार दी गई, सारे को जो भी बदमाश है ना ये सारे को मट्टी में मिलाएगा देखिएगा। अच्छा हाँ बदमाश रह रहे थे, इतने अमीर हो रहे थे, बड़े बड़े रुपये के बोरे पे सुहा हुआ रहता था, अब देख लो कहाँ गया बांस न भोसली, सारे खत्म। सारे बदमाश जाएगा, बाकी बदमाश कहाँ गए यूपी के? भैया जितना भी बदमाश है ना अब धांधली करेगा ना वो फंसेगा इसमें। तो कह रहे हैं इनका कहने का मतलब है उनकी पार्टी में कुछ होंगे। बाकी बदमाश कहाँ गए यूपी के, जे कहने का मतलब है यूपी का जो बदमाश है जो भी बदमाशी कीजिएगा तो पड़ेगा। अच्छा डंडा पड़ेगा, डंडा पड़ेगा। आप कहाँ रहने वाले? यूपी उत्तर प्रदेश में कानपुर। कानपुर के रहने वाले हैं। कानपुर में एक घटना हुई थी विकास दुबे वाला मामला, आपके यहाँ होता? तो बहुत पहले का मामला है। हाँ। तो जो गुंडों के ऊपर एनकाउंटर हो रहा है, माफियाओं को थोड़ा मारा जा रहा है, क्या है मतलब इसका? इसका मतलब ठीक ही है और क्या है, अच्छा हो रहा है, सही है और क्या है। अतीक अहमद के ऊपर जो है चार्जेस लगाए गए, अब दोबारा उनकी कई केस फाइल खुल रही है, उनके करीबियों का एनकाउंटर हो रहा है, क्या है? तो ठीक ही तो कर रहे बाबा जी और क्या करेंगे। अखिलेश यादव कह रहे गलत हो रहा है, तो अब गलत हो रहा तो एक पक्ष तो गलत कहेगा ही, एक पक्ष तो जनता का पक्ष क्या है? जनता के हिसाब से ठीक है। ठीक है हाँ आप खुश हैं? हाँ अच्छा जी खुश हो रहे हैं। हम आपको बोले ना मट्टी में मिला देगा सारे को, मट्टी में मिला देगा, बुलडोजर चलेगा, बेघर कर देगा। जितना वो ऐसे आराम से जीता था ना, अब जीने का हक कोई नहीं, जीने का हक छीन लेंगे सबका, सारे बदमाश को। सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि पहले ऐसा देखने के कहीं मिला? आज जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने और हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पहले मुख्यमंत्री थे गुजरात में और अभी प्रधानमंत्री बने, तब से ये सब चीजें देखने को मिली। काला धन बाहर निकल रहा है, काले कारनामे बाहर निकल रहे हैं, अच्छा। काले कर्म किए हुए बाहर निकल रहे हैं। अच्छा। तो अभी तो शुरुआत है, सुनने में आ रहा है काले कर्मों की सजा भी दी जा रही है। हाँ, सजा भी दी जा रही है, अभी तो ट्रेलर है, मूवी आना बाकी है। और कहने का मतलब जो 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 इन्होंने अभी मोदी जी ने और योगी जी ने नींव बना रही है, नींव बना रहे हैं, राम जन्मभूमि बन रही है और साथ में पूरी धरती पे भारत माता की जय, पूरी देश में एक नींव का काम किया है मोदी जी और योगी जी ने। तो और उसके बाद में पहला मजला बनना है, दूसरा मजला बनना है, तीसरा मजला बनना है, चौथा मजला बनना है। अच्छा। और अडानी अम्बानी को तो बदनाम किया जा रहा है, वो तो एक अच्छे बिजनेसमैन है। हमसे हमारा सवाल लेने दो, हमारा सवाल यह है कि अभी जो है, रुक जाओ महाराज, सवाल ये हमारा है कि उत्तर प्रदेश में जो माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, उनके करीबियों को मारा जा रहा है, अखिलेश यादव कह रहे गलत हो रहा है, ऐसे थोड़े होता है, कानून से चलिए। देखिए इन सब चीज़ों के लिए कानून बना हुआ है और कानून बना हुआ है और जो योगी आदित्यनाथ जी जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। आपसे हम पूछते हैं कहाँ की रहने वाली हैं आप? सर मैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद की रहने वाली है। गाजियाबाद नोएडा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक समय पे कहा था महिलाओं के लिए सेफ नहीं है जी, अब क्या है? अब सेफ है, अब बेहतर है जी। कैसे बेहतर है? अभी जो एनकाउंटर हो रहे हैं और तमाम चीजें हो रही है, सुनती हैं आप तो कैसा? नहीं अब कोई भी बात होती है हम कंप्लेंट करते हैं तो तुरंत सुनवाई होती है, तुरंत एक्शन लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। अभी अतीक अहमद के एनकाउंटर के मामले को सुना आपने? नहीं सॉरी सर मैंने नहीं सुना।